कृपया लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सभी अपने घरों में ही रहें। कलेक्टर एस विश्वनाथन गुना। बजरंगा रोड पर मजदूरों से भरा एक कंटेनर विगत रात्रि पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन के चलते आवाजाही पर आजकल है प्रतिबंध, प्रशासन ने कार्रवाई की। दोपहिया वाहनों से ही यात्रा करके एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं अनेक लोग। लॉकडाउन के कारण अहमदाबाद से बिहार जाने वाले अनेक लोग गुना के पास से भी गुजरे। गुना जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सीय परामर्श के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी नागरिक व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7649884800। पीड़ितों को निःशुल्क दवा और सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी। सिटी चैनल के डायरेक्टर तरुण जैन ने नागरिकों से संकट काल की इस घड़ी में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील करते हुए कोई भी प्रेरणादायक वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से सिटी चैनल तक पहुंचाने का आग्रह किया है, जिसे सभी दर्शकों से साझा किया जा सके। सिटी चैनल के समस्त दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, ये समय बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में और भारत में और हमारे गुना शहर में भी चल रहा है। प्रशासन आपसे लगातार अनुरोध कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें। हम भी सोनाली सिटी चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने घरों में रहकर समय व्यतीत करें। इसी क्रम में सोनाली सिटी चैनल आपको ये अनुरोध करता है कि कोई वीडियो आपके पास हो जिसे आप दिखाना चाहते हो और हमारे दर्शकों को भी शेयर कर सकते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर आप उनको भेज सकते हैं। जिनको आपका लॉकडाउन का जो समय है घर में व्यतीत कर रहे हैं, उसमें कोई भी वीडियो अच्छी हो, कोई भी गाना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो सामाजिक हो और जिसे हम दिखा सकते हैं, तो सोनाली सिटी चैनल आपसे अनुरोध करता है कि आपके उस महत्वपूर्ण पलों को हम सब लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करना चाहते हैं। वो अपने वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप भेज कर उनको आम लोगों से शेयर कर सकते हैं और आप जो समय घर में रहकर गुजार रहे हैं उसका अन्य लोगों के साथ और नए वीडियो बनाकर भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। चांचौड़ा के अनुविभागीय अधिकारी ने कोरोना संकट की इस घड़ी में नागरिकों से सहयोग की अपील की और दिहाड़ी मजदूरों को खाद सामग्री देने का अनुरोध किया। गुना जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन ने दान देने के लिए एक बैंक खाता भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में शराब की दुकानों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने जनता से घर में ही रहकर प्रशासन को सहयोग देने का आह्वान करते हुए सांसद निधि से चिकित्सा और राशन आदि के लिए लाखों रुपए देने की घोषणा की है। आरोन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। गुना की मानस भवन समिति द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। एकांत में रहकर नागरिक अपनी अभिरुचियों को निखार रहे हैं। एक दर्शक ने उत्कृष्ट रेखांकन द्वारा अपनी कला की अभिव्यक्ति सिटी चैनल तक पहुंचाई है। गुना की थोक सब्जी मंडी को नाना खेड़ी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब हाट ठेलों पर ही घर घर पहुंचाई जा रही है सब्जी। गणेश टाकीज गली में किराना व्यापारी द्वारा महंगे दामों में सामग्री बेचे जाने पर पुलिस प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। झांसी से मधुसूदनगढ़ आई एक महिला को कोरोना संदिग्ध मानकर जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की फर्जी अपील का मैसेज वायरल करने पर कुंभराज थाना क्षेत्र के दो युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली दूरदर्शन द्वारा रामायण धारावाहिक शुरू होने से नागरिकों में हर्ष व्याप्त है। लोग घरों में बैठकर देख रहे हैं रामायण धारावाहिक। कैंट पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें राशन दवाओं आदि की सहायता की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 लाख रुपए की सहायता राशि जमा की है।